अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। खैर, आज बारिश और बाढ़ से हटकर दूसरे मौसम की तरफ रुख करते हैं। वैसे आज बारिश धीमी रही, रफ्तार भी कम रही। आज दिन भर अगर शहर बेलगाम की बात करें तो मौसम अच्छा रहा। दरमियान में कभी कभी सूरज का दीदार भी होता रहा, हल्की हल्की बूंदे भी बरसती रही, पर तेज मूसलाधार बारिश आज देखने को नहीं मिली। बारिश की तवील छुट्टियों के बाद बच्चे स्कूल रवाना होंगे, पर नदियां अब भी उफान पर हैं। बाढ़ का पानी अब भी खतरे के निशान के ऊपर ही बह रहा है। आज डीसी बेलगाम ने बाढ़ मुतासरीन से गोकाक जाकर मुलाकात फरमाई, उनके परेशानियों को समझने की कोशिश करी। पर आज हम बात करते हैं उत्तर भारत की और खासकर यूपी यानी उत्तर प्रदेश की गश्त कर रहे हैं, जिसमें कांवड़ यात्री गाड़ियों पर हमला करते हुए देखा जा रहा है। बात कांवड़ यात्रा की करते हैं और कांवड़ यात्रा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी की। भारत मुख्तलिफ मजाहिब तहजीबों का मुल्क है। यहाँ हर 100 किलोमीटर पर तहजीब जुबानों को बदलते देखा जाता है। इसके बावजूद भी भारत में अनेकता में एकता दिखी जाती है और इसी इत्तेहाद इत्तेफाक ने मुल्क की पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बना दी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से मुल्क की फिजा में जहर घोल दिया गया है। यकीनन आवाम इससे उग चुकी है और इसका एहसास हमें पिछले चुनाव में भी हो चुका है, लेकिन फिरकापरस्त ज़हनियत के लोग समाज को बांटने की कोशिश मुस्तकिल कर रहे हैं और यही उनका काम है। आज बात करते हैं कांवड़ियों की, जो उत्तर भारत में इसका ज्यादा असर देखा जाता है। इसका मुख्तसर पस मंजर क्या है, आइए देखते हैं मुख्तसर पस मंजर। कांवड़ यात्रा भगवान शिव की इबादत और अकीदत के लिए एक अहम हिंदू तीर्थ यात्रा मानी जाती है। इस यात्रा में भक्त मंडली बांध से बनी कांवड़ में गंगा नदी का पानी भरकर उसे अपने कंधों पर रखकर कई किलोमीटर पैदल चलते हैं और शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। यह यात्रा खासकर उत्तराखंड के हरिद्वार से शुरू होकर मुख्तलिफ शहरों और गाँव तक जाती है। श्रावण महीने में यानी इस महीने में होने वाली इस यात्रा में हजारों की तादाद में भक्त हिस्सा लेते हैं, पर पिछले कुछ सालों से इस मुकद्दस समझे जाने वाले जुलूस में गुंडागर्दी देखी जा रही है। यकीनन हिंदू मुस्लिम तनाजे के मद्देनजर योगी हुकूमत ने तो तकरीबन 300 किलोमीटर चलने वाली यात्रा के दरमियान जितने भी दुकान होटल ठेले आते हैं इन पर मालिक के नाम की तख्ती लगाने का अजीब फरमान जारी किया था। खैर, खुद योगी ही फिरका परस्त ज़हनियत के हैं तो इसमें भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। पर पिछले कुछ दिनों से चलती इस यात्रा के दरमियान मुसलमानों पर हो रहे हमले एक बार फिर सोचने पर मजबूर जरूर कर देते हैं। आखिर कांवड़ यात्रा के नाम पर कुछ लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? खासकर यूपी में मुस्लिम इलाकों से जानबूझकर कांवड़ यात्रा निकालने की जिद और फिर मुसलमानों पर ही यूपी पुलिस की जानिब से ही जमकर लाठीचार्ज करना हुकूमत की मंशा को साफ कर देता है। बरेली, मेरठ, मुरादनगर में कांवड़ियों ने जमकर हंगामा करते हुए मुसलमानों पर हमले किए। अब इन कांवड़ियों को क्या कहा जाए? जहां अपने आप को शिव भक्त साबित करने की कोशिश करते हैं, वहीं डीजे पर आधनंगे औरतों को नचाते हुए वीडियोज भी वायरल हुए हैं। पुलिस की जिम्मेदारी है कि कांवड़ यात्रा के नाम पर नफरत परोसने वालों को हिरासत में लिया जाए, पर यहां खुद पुलिस ही दंगाइयों का साथ देने लगे तो क्या कहा जाए? इस वीडियो को देखिए, इस तरह की और भी तस्वीरें देखने को मिलते हैं जिसमें कार में मुस्लिम होने पर इन पर हमला करने जान से मारने की कोशिश की गई। 3 अपराध किसी तरह से निकलकर भागने में कामयाब हुए तो 1 अपराध उनके हाथ लग गया, जिसके कपड़े फाड़ दिए गए और जानलेवा हमला किया गया। इसी तरह गाजियाबाद मुरादनगर में तस्वीर देखने को मिल सकती है किस तरह चारों तरफ से हमला किया गया। आखिर मुस्लिम इलाकों से जानबूझकर कांवड़ यात्रा ले जाने की जिद कर इलाके में तनाव बनाने की आखिर क्या जरूरत पेश आई, इसे भी हम सब समझते हैं। कई दुकानों पर भी हमला किया गया, छोटे ताजरों को नाम पूछ कर पिटा गया, जबकि कुछ जगहों पर मुसलमानों ने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए इनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया हुआ था। कुछ जगहों पर तो मुसलमानों ने कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाए। पर क्या अमन सुकून से मुसलमान भाईचारे का पैगाम देना चाहता है तो इन पर इस तरह किसी भी ईद त्योहार को जरिया बनाकर या इनके आड़ में मुसलसल हमला करना क्या गुंडागिरी नहीं है? हाल ही में विशालगढ़ की भी तस्वीर सभी ने देखी है, यकीनन इसके पीछे सियासत है। खुद योगी उत्तर प्रदेश हार चुके हैं और भी हार रहे हैं, इसी तरह महाराष्ट्र में भी शिंदे हुकूमत इख्तदार से हाथ धो सकती है। लिहाजा नफरत की सीढ़ी बनाकर इख्तदार हासिल करना इनकी पुरानी आदत है और ये कोशिश वो जरूर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी को अभी इसी नफरत का सहारा है, क्योंकि अयोध्या हारने के बाद बौखलाई हुई भाजपा या हिंदुत्ववादी तंजीमें डर खौफ की सियासत को तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कांवड़ यात्रा के रास्तों पर अब मस्जिद दरगाहों पर भी सफेद कपड़े से ढकने का फरमान जारी किया गया है और ढका जा रहा है। इसे क्या कह सकते हैं,
क्या इसी भारत को ये तश्कील देना चाहते हैं? मतलब किस हद तक एक समाज को निशाना बनाया जा रहा है? कुछ कांवड़ यात्री है जो इसके असल मकसद को संजीदगी से मद्देनजर रखते हुए वो चलते रहते हैं। इन्हें मुसलमानों से कोई किसी तरह की शिकायत नहीं है, पर जब गुंडे कांवड़ यात्री का लिबास पहनते हैं तो इनकी शरारत को रोकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसी मकसद के साथ यात्रा में वो शरीक हो जाते हैं। ज्यादातर आवाम अब हिंदू मुस्लिम से ऊब चुकी है। उन्हें संविधान बचाना, इस मुल्क के भाईचारे एकता को बचाना है। लोग रोजगार चाहते हैं, बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं। और कोई बताए तो सही कि बड़े बड़े भाजपा या हिंदुत्व लीडरों के बच्चे इस कांवड़ यात्रा में जाते हैं? बताए तो सही, कहीं कभी आपने देखा है कि वो इसमें जाते हुए हैं? वो तो बड़े ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़कर कुछ और रास्ता इख्तियार करते हैं, लेकिन बहुजन समाज को वो कांवड़ यात्रा में लाते इस तरह से भी इल्जाम लगाया जाता है। कांवड़ यात्रा के दरमियान स्कूलों को भी बंद किया जा रहा है। तकरीबन एक महीना से चलने वाली यात्रा से तमाम तिजारतें ठप हो जाती हैं। हुकूमत कांवड़ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाती है। मुस्लिम मुसाफिरों को बेरहमी से पीटने पर कांवड़ यात्री कहते हैं कि इनकी कांवड़ यात्रा के दरमियान ये कार लेकर आ गए, कुछ ने तो कहा कि कार को ही इन पर डालना चाहते थे वगैरह। कोई बताए तो सही कि पहले से डरा सहमा समाज इस तरह इतने कांवड़ियों को रोंदने की कोशिश या जरूरत कर सकता है? यूपी में मुसलमान इस तरह डरे सहमे हैं कि इनकी कांवड़ यात्रा के दौरान कोई भी उन रास्तों से गुजरना नहीं चाहेगा, लिहाजा झूठी कहानियों के जरिए इन पर किए हमले को सही ठहराने की कोशिश की जा रही है। हर साल कांवड़ यात्रा को लेकर बवाल काटा जा रहा है। नए नए कानून सिर्फ मुसलमानों को हिरासा करने के लिए बनाए जा रहे हैं। पिछले चुनाव में हार के बाद अब पूरी शिद्दत के साथ नफरती गिरोह सरगर्म हो चुके हैं। कुछ तस्वीरें ये भी देख ले के किस तरह अधनंगी खातून को नचाया जा रहा है। क्या ये तहजीब है? क्या ये संस्कृति है जिसकी दुहाई देकर सड़कों पर गुंडागर्दी की जा रही है? फैसला तो अक्सरियत समाज के उन लोगों का करना है जिनके सामने हिंदू तहजीब को बदनाम किया जा रहा है। शराब गांजा नोश करने की तस्वीरें भी इस कांवड़ यात्रा के दौरान देखी जा रही है। इस तरह की तलाश चल रही है। इस तरह के नाच से आखिर कौन सा पैगाम कांवड़ यात्री देना चाहते हैं? और क्या आने वाले साल में इस तरह की गुंडागर्दी पर नकेल कसी जाएगी? तमाम सवाल तो अब भी जवाब के मुंतजर है, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।